हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक वॉफल की रेसिपी, जो हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस भी है। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कप सूजी लेंगे, उसमें एक कप दही डाल रही हूँ मैं। अब मैं, आप घर का जमा हुआ या बाज़ार का कोई भी ले सकते हैं, और अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। अभी ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है, इतना गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, तो इसे पतला करने के लिए मैं एक कप इसमें पानी डाल रही हूँ। अब फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी पानी सोख लेगी और मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब थोड़े से गरम तेल में एक बड़ा प्याज कटा हुआ डालें। अब एक या दो हरी मिर्च डाल के उसे भून लें। आप मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें डालें एक कप के करीब ग्रेट की हुई गाजर, छोटा कटा हुआ शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ बीट रूट। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, करीब 80% के करीब ही पकाना है। अब ये हो चुका है, पानी भी इसका सूख चुका है अभी। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। साथ में मैं अभी डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, जो कि इसे बहुत अच्छा क्रंच देंगे और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। स्टफिंग रेडी हो गई है, अब इसको पूरी तरह से ठंडा कर लें। जैसा कि आप देख रही हैं, सूजी फूल चुकी है और हमारा बैटर भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है वॉफल बनाने के लिए। अब इसमें पहले से सॉटे की हुई सब्जियां डाल देंगे हम। अब डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ पर मेरा वॉफल मेकर पहले से प्रीहीट किया हुआ है। वॉफल प्लेट को हम ऑयल या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि वॉफल हमारे चिपके नहीं। अब थोड़ा थोड़ा वॉफल का बैटर दोनों प्लेट के ऊपर हम डाल देंगे। अगर आप इसे पूरा स्क्वायर बनाना चाहें तो आप इसे बहुत फैला के भी डाल सकते हैं। अब इसे बंद करके हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे वॉफल बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। आप सब्जियां अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, इसमें बीन्स डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। अब सर्व करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दें, आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें। And keep watching my videos and help me to grow. Thank you so much.